गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपके सामने मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है नंबर सिस्टम। आज ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे जो कि पीछे के उम्रग में अधूरा रह गया था। कुछ विद्यार्थियों को समस्या आई थी कि ये सर नंबर सिस्टम समझ में नहीं आया, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ये टॉपिक क्लियर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी प्राइमरी क्लासेस है उसमें नंबर सिस्टम को दो प्रकार से दर्शाया गया है। जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो एक तो लिखते हैं हम इंडियन नंबर सिस्टम में, और जो हमारा दूसरा जो सिस्टम है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आज अभी क्लियर करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम इसको हम हिंदी में बोलेंगे भारतीय संख्यांक प्रणाली, जिसको हम भारतीय संख्या प्रणाली कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम इसी का यूज करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप नॉर्मल सा हम बोलते भी इतने लाख, 5 लाख, 10 करोड़, ये जो लैक्स और क्रोस जो संख्याएं, जो अंक बोले जाते हैं, ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, वहां थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जहां पर लाख और करोड़ के स्थान पर मिलियन और बिलियन का यूज होने लग जाता है, जो हम बाद में अच्छी तरह विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्यांक प्रणाली के बारे में। सबसे पहले इसमें हम इसकी प्लेसेस की बात करते हैं। और प्लेसेस, जैसे आपने छोटी कक्षाओं में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ा है कि हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मैक्सिमम करोड़, 10 करोड़ तक की ही संख्याएं यूज करते हैं। इससे बड़ी जो संख्याएं हैं वो बड़ी क्लासेज में, सेकेंडरी क्लासेज में यूज होती हैं। तो हम यहीं तक इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के प्लेसेस हैं। वन्स इकाई, टेन्स दहाई, हंड्रेड्स सैकड़ा, थाउजेंड्स हजार, 10,000 10,000, लैक्स जिसको हिंदी में कहेंगे लाख, 10 लैक्स 10 लाख, करोड़ करोड़, और 10 करोड़ 10 करोड़। और प्यारे विद्यार्थियों, साथ में मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं साथ में, कि इकाई वन, टेन्स दहाई 10, हंड्रेड सैकड़ा 100, थाउजेंड हजार, 10,000 10,000, लैक्स 1 लैक्स, 10 लाख्स। करोड़, और ये करोड़, और ये हमारी हो जाती है 10 करोड़। ओके, वन्स, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। तो ये इनकी वैल्यूज हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि संख्याओं को हम इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। सबसे मुख्य है कि संख्याओं को किस तरह से पढ़ेंगे और फिर उसको किस तरह से लिखेंगे। तो हम इसको कुछ पीरियड्स में बांट लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार
जो वंस टेंस और हंड्रेड का जो एक पीरियड होता है वो कंबाइन होता है। इसके हम पहले वंस टेंस और हंड्रेड इसके छोटे छोटे हम तीन कमरे बना लेते हैं। ये हमने बना लिए वंस टेंस और हंड्रेड के तीन कमरे। ये वंस का है, ये टेंस का है और ये है हंड्रेड का। अब मान लीजिए आपको कोई कहता है कि संख्याएं लिखिए, आपको केवल एक अंक में संख्या बोली जाती है, आपको कहा जाता है कि लिखिए आप सेवन, तो आप कहां लिखेंगे? क्योंकि वो तो अकेला अंक है, इसलिए आप सेवन को लिखेंगे वंस के नीचे, यानी कि ये आपका वंस का ही अंक, अकेला अंक, वो इकाई का अंक कहलाएगा। अगर आपको बोला जाता है आप लिखिए 57, तो आप क्या करेंगे? टेंस के नीचे 5 आ जाएगा और वंस के नीचे 7, तो इसको पढ़ा जाएगा 57, जिसको हिंदी में कहेंगे 57। अगर एक और अंक बढ़ाकर लेते हैं, आपको कहा जाता है 857, तो यहां पर 100 की वैल्यूज आ गई 857। तो भारतीय संख्या प्रणाली में, इंडियन नंबर सिस्टम में, 100, 10 और 1 इन तीनों के अंकों को एक साथ कंबाइन लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा घर, एक छोटा घर आ जाता है, वो आता है 1000 का, जिसके दो कमरे होते हैं। ये हम बना लेते हैं, ये दूसरा घर, ये है 1000 का घर। किसका? 1000 का घर है ये, और इसके दो कमरे होते हैं। एक कमरा वंस का ही होता है इसमें, राइट साइड वाला, और जो दूसरा कमरा होता है लेफ्ट साइड वाला, वो टेंस इकाई दहाई का होता है, यानी कि राइट साइड इकाई और लेफ्ट साइड दहाई। इसमें अगर आपको बोला जाता कि आप लिखिए 5857, तो 5000 लिखेंगे तो वो वंस जो का जो प्लेस है 1000 का, उसके नीचे लिखा जाएगा 5857। और यहां पर इस 1000 वाले घर को हम इस पहले 1100 वाले घर से कोमा से कर देंगे अलग। ये इसको पीरियड्स में, खंडों में बांट देता है, ये अलग खंड है और ये खंड अलग है। अब अगर 1000 की संख्याएं दो है, अगर आपको बोला जाता कि 25000, तो 25, अब जो 2 जो लिखा जाएगा वो टेंस, ये 1000 का दहाई का अंक कहलाएगा। इसको पढ़ेंगे 25857, यानी कि 25857। इसी तरह से आगे जो घर लेंगे 1000 के बाद, जो इससे बड़ा घर है 1000 के बाद आएगा वो लाख, LAKH, हिंदी में कहते लाख, लेकिन इंग्लिश वो बोलेंगे लैट। लैट के भी दो, इसी तरह दो छोटे छोटे घर बनेंगे, राइट साइड वाला वही वंस का जो लाख की इकाई का घर होगा, और लेफ्ट साइड वाला होगा टेंस, यानी लाख की टेंस का दहाई का घर। तो इसमें भी इसी तरह अगर आपको कोई संख्या बोली जाती है कि 9,25,857, तो 9 लाख, तो 9 अकेला अंक है लाख का, तो उसको यहां लिखेंगे 9 लाख। अगर 9 लाख की बजाय बोला जाता है कि 19,25,857, तो 19 क्योंकि दो अंक हो गए, तो वहां पे लेफ्ट साइड 19 1 1 जो दहाई का अंक कहलाएगा लाख का, उसको हम टेंस के नीचे रखेंगे। तो ये हमारी संख्या बन गई 19,25,857, हिंदी में पढ़ेंगे 19,25,857। तो आगे चलेंगे और इसको भी हम उसी तरह कॉमास से 1000 और लाख के जो पीरियड्स है उनको कॉमास के द्वारा अलग कर देते हैं। और इसी तरह अब आगे चलेंगे करोड़ के पास। करोड़ के भी छोटे छोटे ऐसे दो घर बनेंगे, ये हमारे करोड़ के दो छोटे छोटे कमरे बना लेते हैं, राइट साइड वाला वही वंस का, लेफ्ट साइड वाला वही टेंस का, और इसका नेम है क्रोर, CROR, क्रोर, ठीक है। अब क्रोर में भी वही, अगर आपको बोला जाता है कि 7 करोर, लिखेंगे आप 7 करोर, अकेला 7 है, तो क्रोर के नीचे 7 कहां आएगा? वंस के नीचे। यह 7 करोर, 19,25,857।
अगर 7 करोड़ की बजाय दो अंकों में बोला जाता है 27 करोड़, तो 27 दो अंक हो गए, तो 27 का 2 जो आएगा वो आएगा टेंस के नीचे, दहाई के नीचे। अब इसको पढ़ा जाएगा 27 करोड़ 19 लाख 25,000 857, यानी कि हिंदी में 27 करोड़ 19 लाख 25,857। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, संख्याएं लिख लिख कर देख सकते हैं। ये जो 1, 10, 100 ये प्लेसेस की शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। वैसे आपको पता ही होगा वंस को लिखा जाता हो एनएस, वंस इकाई TENS, टेंस दहाई, 100 HUNDREDE 100 सैकड़ा, THOUSANDE 1000 हजार, 10,000 में TEN और फिर 1000 लिखा जाएगा 10,000, लैक्स LAKH मैंने लिखा है लैक्स लाख, और 10 लाख ठीक है, यहां पर दाई वाला अंक हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से आप मान लीजिए आपको बोला जाता है कि लिखिए, प्यारे विद्यार्थी आप लिखेंगे जैसे 10 करोड़ सिंपल है, 10 में दो अंक हो गए 1 और 0, तो आपके 10 का जो 1 है वो करोड़ के नीचे टेंस के नीचे यहां लिखेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ये आपने करोड़ के नीचे क्या लिख दिया 10 करोड़, और आगे आपको कुछ नहीं बोला गया, ओनली पूरी संख्या आपको बोली गई 10 करोड़, तो 10 करोड़ आगे जो लिखेंगे आप लैक्स के दोनों प्लेसेस के स्थान पर 0, 1000 के दोनों प्लेसेस के स्थान पर 0, और 100 टेंस और वंस के स्थान पर भी 0 आप रख देंगे, तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 10 करोड़। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप छोटी संख्याएं बड़ी संख्याएं जो भी आपके माइंड में आती है आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, इसकी पहचान हमेशा माइंड में यही रखना कि जहां पर अगर पहचान हम करते हैं इंटरनेशनल से इसका मिलान करते हैं, तो यहां तक के जो प्लेसेज है 1, 10, 100, 1000, 10,000 यहां तक हमें पहचान नहीं होती कि ये सिस्टम इंटरनेशनल है या इंडियन है। लेकिन इससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं जहां पर हमारे पास लैक 10 लैक करोड़ 10 करोड़ ये आ जाता है, वहीं पहचान हो जाती है कि हम जो ये संख्याएं लिख रहे हैं ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, संख्याएं लिखते रहिए। हम अगला नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।